इंडिया में कलेक्टर ऋषि गर्ग के निर्देश पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जीवनम स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में ब्लड प्रेशर, मलेरिया, शुगर सहित अन्य की जांच व आयुष्मान कार्ड बनाए गए। सीएमओ डॉक्टर शैलजा महाजन ने बताया कि इस शिविर का मुख्य उद्देश्य शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं को आम लोगों तक पहुँचाना है। संतोष बोल रहे हैं, सीएचओ बालागांव में पदस्थ हूँ। आज जीवनम स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है। यह प्रतिमा किया जाता है, यहाँ पर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से यह शिविर हर माह सीएससी पर आयोजित किया जाता है। आज भी लगभग अभी तक 255 ओपीडी हो चुकी हैं और इसमें आयुष्मान कार्ड भी बना रहे हैं, आभा आईडी भी बना रहे हैं। इसमें साथ में होम्योपैथिक डॉक्टर्स भी स्पेशलिस्ट हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर भी हैं, आरबीएस के डॉक्टर भी हैं। आज हमारी ड्यूटी यहाँ पर एनसीडी कैंप में लगाई गई है। हमने आज सुबह से लगभग 150 से ज़्यादा पेशेंट की एनसीडी की जाँच कर ली है, जिसमें कि मुख्य तौर पर बीपी, शुगर और हेल्थ आईडीज बनाई जा रही है। पेशेंट को हेल्थ आईडी का लाभ प्रोवाइड किया जा रहा है। साथ ही में गर्भवती महिलाओं की भी जांच की जा रही है, उनकी एएनसी प्रोफाइल की जा रही है, उनकी जीडीएम की जांच की जा रही है और आई कैंप भी अभी दो दिन पहले आयोजित किया गया था। यहाँ पर आज भी आई कैंप आयोजित किया गया है, साथ में ईएनटी और अन्य बीमारियों का भी इलाज किया जा रहा है और पेशेंट्स मरीजों को कई दवाइयाँ डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है।